नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। दिल्ली में पीएम मोदी और बनारस में सीएम योगी 5G सेवा के जरिए संवाद करेंगे। बता दें कि सीएम योगी 5G सेवा की लॉन्चिंग के दौरान काशी में मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम मोदी देश को 5G सेवा की सौगात देने के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद करेंगे। और इसके साथ ही पीएम से बातचीत के बाद सीएम योगी मौजूद प्रबुद्ध जनों को संबोधित भी करेंगे। तो बता दें कि वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और इसके साथ ही देश भर में प्रमुख हस्तियों से बात करेंगे। तो वही बता दें कि सीएम योगी 5G सेवा की लॉन्चिंग के दौरान काशी में मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी देश को 5G सेवा की सौगात देने के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद करेंगे। और इसके साथ ही पीएम से बातचीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद प्रबुद्ध जनों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही वे 5G सेवा के जरिए अब संवाद करेंगे। तो लॉन्चिंग के दौरान काशी में भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बता दें जिसकी तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके साथ अब देश भर में प्रमुख हस्तियों से वे बातचीत करेंगे। अगली खबर यूपी के संभल से है, जहां कॉलेज से लौट रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बाहर खड़े कुछ मंचलों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की। वहीं इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर गांव वालों को समझाया और इसके अलावा पुलिस ने मारपीट के आरोप में युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहाँ पर छात्राओं के साथ मंचलों ने छेड़खानी की थी। और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने गांव में पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत कराया है। उसके साथ ही पुलिस ने मारपीट के आरोप में युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वही छात्राओं के साथ मंचलों ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर बता दें कि एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही पुलिस ने गाँव में पहुंचकर उस मामले को शांत कराया। तो वही छात्रों के साथ ये जो मंचला था ये छेड़खानी कर रहा था और जिसके बाद वहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने उसको पकड़ लिया। और वहां बता दें कि जब मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गांव में पहुंचकर पूरे मामले को शांत वहां पर करवाया गया है। से बच्चियां आ रही थी रक्षे में, ठीक है, ये लड़के यहां खड़े थे, बत्ती बत्ती बातियां कर रहे थे। उस लड़के ने विरोध करा, चार पांच लड़के फैक्ट्री से और निकले और उस पर पीटना चालू कर दिया कि तू कोई कहीं का मंत्री है या गांव का मुखिया, तुझे क्या मतलब। हम तो आए दिन ऐसे ही करते रहते हैं और जो तुमसे बचे बने वो बना दे। चार पांच लड़के और छुरी लेकर निकले। फिर चिमियाली गांव में मारपिटाई का मामला था, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। मौके पर पहुंचने पर जांच करने के उपरांत नीटू के नाम के वादी द्वारा मुकदमा कायम कराया जा रहा है, जिसमें 3 अभियुक्त बताए गए हैं, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया, एक अभी शेष है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर पुलिस है और शांति व्यवस्था बने हुए हैं। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।